वेलकम टू माय चैनल सुजू फूड एंड फन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो है वर्मिसली उपमा, या हम कह सकते हैं सेवई उपमा जिसे हम कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, अगर आप सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने 3 टीस्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दिए, तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करी लीव्स डाला है, तो करी लीव्स से बहुत ही अच्छा उपमा में टेस्ट आता है। करी लीव्स थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे चिलीज, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू लिया है, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। बहुत ज़्यादा आँच को आप मीडियम से लो में ही रखें। थोड़ा सा कैश्यू नट्स फ्राई होने के बाद, कैश्यू नट के जगह आप पीनट्स भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया 1 चॉप्ड आनियन यानी कि प्याज, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम से लो पे रखें। साथ में मैंने डाल दिया चॉप्ड बीन्स। यहाँ पे गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, तो आप चाहे तो इसे छोटे चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ गाजर लिया है। यहाँ पे इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे, वो भी चॉप किया हुआ टोमेटो। नमक यहाँ पे मैंने लिया है, वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल दें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे 2 टीस्पून के अराउंड मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा टैंगी टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा कुक होने के बाद हम इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रोस्टेड वाले सेवई हैं जो कि बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो वाइट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादातर रोस्टेड वाले अगर आप यूज़ करें तो इससे बहुत अच्छा उपमा बनता है। तो आप देख सकते हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से सब्जियों के साथ आप अच्छे से वर्मिसली को मिक्स कर दें। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी आप पानी ना डालें, नहीं तो आपका उपमा जो है वो खिला खिला नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल जो सेवई है उसके जस्ट ऊपर टिप तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो रहा है, तो अभी भी आप आँच को मीडियम ही रखें। तो यहाँ पर देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, पानी भी बिल्कुल सूख गया है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। आप चाहे तो इसके ऊपर 1 टीस्पून घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में सर्व किया है। तो एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो इसे आप घर पर ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्व किया, इसे आप अपने फेवरेट चटनी या सेव के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।